आज की इस धमाकेदार वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वेबिक टोक्यो स्टार के सारे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सब कुछ। और वेबिक बहुत ही लोगों का फेवरेट एलियन था जिसकी डिमांड मुझे काफी टाइम से आ रही थी, तो लो फाइनली ये वीडियो आ गई। इसलिए इस वीडियो को पहले ही एक लाइक कर दो। अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे छोटे 10 साल वाले वेबिक से इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब यार बेंटन की एक एनिमेटेड मूवी के अंदर हमें फर्स्ट टाइम वेबिक को दिखाया जाता है, और ये हमें तब देखने को मिलता है जब बेंटन सीक्रेट ऑफ द ऑमनीट्रिक्स मूवी आई थी, जिसके अंदर हम लोग ये देखते कि बेन की ऑमनीट्रिक्स खराब हो गई थी और उसकी ऑमनीट्रिक्स को बनवाने के लिए बैंक की जो पूरी टीम थी वो लोग अजमत को ढूंढ रहे होते हैं। तभी यार उसी के बीच विलगैक्स बार-बार बैंक के ऊपर अटैक कर रहा होता है, और इस मूवी के लास्ट में हम लोग ये देखते हैं कि उनको अजमत मिल जाता है और अजमत ने ऑमनीट्रिक्स का डायलर निकाल लिया था, और बैंक बिना ऑमनीट्रिक्स के ही विलगैक्स की पूरी आर्मी से फाइट करने के लिए निकल जाता है। और फिर अजमत बैंक के कॉन्फिडेंस को देखने के बाद ऑमनीट्रिक्स को सही कर देता है, और जो उसका कोर रहता है वापस उसको उसकी वॉच में लगा देता है, और वो वेबिक के डीएनए को सिलेक्ट करता है और बैंक को बोलता है तुम इस एलियन को ट्राई करो। और फिर हमें फर्स्ट टाइम सबसे बड़ा एलियन बेंटन क्लास में सबसे पावरफुल एलियन वेबिक देखने को मिलता है, और इस एलियन को जैसे ही हम लोग फर्स्ट टाइम देखते हैं ये विलगैक्स की पूरी आर्मी को पलक झपकते ही खत्म कर देता है, और ये विलगैक्स की आर्मी को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल देता है और विलगैक्स को उठाता है और वो स्पेस में फेंक देता है। उसके बाद हम लोग वेबिक को वापस दोबारा तब देखते हैं जब बेंटन की दूसरी मूवी आई थी। हाँ, इस बार भी हमें मूवी के अंदर ही वेबिक को दिखाया जाता है, और वो जो मूवी थी वो थी बेंटन डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस। इस मूवी के अंदर हमें फिर से वेबिक को दिखाया जाता है, बट यार ये वाला वेबिक में एक प्रॉब्लम है, जो कि हमारा ये वाला वेबिक है और जो हमारा सीक्रेट ऑफ द ऑमनीट्रिक्स वाला वेबिक है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर यार आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो हमारे इस वेबिक का पूरा लुक चेंज था हमारे इस वाले वेबिक से, और जो हमारा न्यू वाला वेबिक था इस वाले वेबिक का फाइट हुआ था एक इविल टोक्यो स्टार से, और ये जो न्यू वाला वेबिक था और जो हमारा इविल टोक्यो स्टार था इन दोनों की बहुत ही तगड़ी फाइट हो रही थी, जिसमें ये बहुत ही खराब पिटा था हमारा न्यू वाला वेबिक। और फिर हम देखते हैं कि जो अजमत का डैड होते हैं वो एक मिसाइल शूट करते हैं जिससे वो वेबिक को पैरालाइज कर सके, पर बीच हमारा ये न्यू वाला वेबिक आ जाता है जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वेबिक को तब देखते हैं जब हमें ओमनीवर्स का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, उसमें हम लोग बहुत बार इस वेबिक को देखते हैं जिसका यार डिजाइन पिछले जो दोनों वेबिक था उससे बहुत डिफरेंट था। अगर यार आप लोग ध्यान से नोटिस करोगे तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि ये इन दोनों वेबिक का मिक्सचर है, और ये वेबिक हमें फर्स्ट टाइम तब देखने को मिलता है जब डॉक्टर एनिमो अपने म्यूटेंट मच्छर के साथ आता है, तब बेन टेनिसन वेबिक में ट्रांसफॉर्म होता है और उस मच्छर को मसल लेता है, और उसी के बीच हम लोग ने इस वेबिक को देखा था। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वेबिक और टोक्यो स्टार को देखते हैं वो हम लोग बेन की वजह से नहीं देखते, ये हम लोग केविन के थ्रू देखते हैं, जो कि एक म्यूटेंट फ्यूजन वेबिक था। और ये हमें तब देखने को मिलता है जब बेंटन ऑमनीवर्स का एक फ्लैशबैक एपिसोड आया था जिसमें हमें रूटर्स की पूरी टीम को दिखाई जाती है, जिसमें यार केविन बेन को रोकने के लिए अर्थ पे जाता है और उसी के बीच केविन और बेन की फाइट हो जाती है, और उस फाइट के बीच केविन वो काम करता है जो कि वो हमेशा से करता आ रहा था, वो बेन की ऑमनीट्रिक्स को एब्जॉर्ब करता है जिसमें उसको 10 अलग एलियंस की पावर मिल जाती है। हाँ, इस बार केविन को अलग एलियंस की पावर मिली थी। और यार अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो केविन का जो हेड था उसके ऊपर एक हॉर्न हमें देखने को मिलता है, और ये हॉर्न वेबिक का है, मतलब उसको कहीं ना कहीं वेबिक की पावर मिल गई थी, मतलब अब इस वाले केविन के पास कॉस्मिक पावर्स भी है। और यार केविन के थ्रू ही हमें वेबिक का फ्यूजन फॉर्म देखने को मिलता है, और फिर उसके बाद जो हमें नेक्स्ट वेबिक देखने को मिलता है ये एलियन फोर्स में देखने को मिलता है। और अगर इस वाले वेबिक को अगर आप लोग देखोगे तो ऐसा वेबिक हमें पहले ही एक और बार दिख चुका है, जो कि हमें बेंटन डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस मूवी के अंदर देखने को मिला था। एलियन फोर्स वाला वेबिक और डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस वाला वेबिक बिल्कुल सेम थे, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं था अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो। बस यार जो ये वाला वेबिक उसको हम लोग फर्स्ट टाइम कॉस्मिक पावर यूज करते देखते, बट एलियन फोर्स में नहीं, हम लोग इसको बेंटन अल्टीमेट एलियन में फर्स्ट टाइम कॉस्मिक पावर को यूज करते देखते हैं। और यार हमें फर्स्ट टाइम तभी पता चलता है कि वेबिक के पास कॉस्मिक पावर्स भी है, वैसे ये इतना पावरफुल इसको कॉस्मिक पावर की क्या ही जरूरत है, पर कोई ना इससे ये और पावरफुल हो जा रहा है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वेबिक तब देखते हैं जब हमें बेंटन अल्टीमेट एलियन का लास्ट एपिसोड आता है, जिसके अंदर हम लोग को देखने मिलता है अल्टीमेट वेबिक जो कि नॉर्मल वेबिक से साइज में बहुत ही बड़ा हो सकता है, मतलब यार आप लोग ये कह सकते हो कि ये नॉर्मल वेबिक से साइज में डबल होता है, और सिर्फ इसकी साइज ही नहीं बढ़ती, अल्टीमेट फॉर्म में जाने के बाद इसकी काफी सारी पावर्स भी अनलॉक हो जाती है, जो कि हम लोगों ने देखा भी है। इसने काफी सारे न्यू कॉस्मिक पावर्स भी हमें दिखाए थे जो कि यार नॉर्मल वेबिक यूज नहीं कर सकता, ये सिर्फ अल्टीमेट वेबिक यूज कर सकता है। जैसे कि यार आप लोग याद होगा हमें लास्ट एपिसोड में ड्रैगन को दिखाया था, और ड्रैगन से फाइट करने में ही बेन टेनिसन अल्टीमेट वेबिक का यूज किया था, और यार अल्टीमेट वेबिक का जैसे ही बेन टेनिसन यूज किया उसने बहुत सारे अलग अलग कॉस्मिक पावर्स का यूज किया, और यार उसमें हमें यही पता चला कि वेबिक के पास एक ऐसी एबिलिटी है कि वो फ्लाई भी कर सकता है। और यार अल्टीमेट वेबिक के पास यूनिक और मस्त से पावर होंगे जो कि हमें उस एपिसोड में नहीं दिखाया, क्योंकि यार वेबिक को फर्स्ट और लास्ट टाइम हमें उसी एपिसोड में दिखाया गया था, और यार इतने कम टाइम में इतने सारे पावर्स को एक साथ वो लोग शो नहीं कर सकते थे। उसके बाद हमें नेक्स्ट वेबिक बेन के थ्रू नहीं वापस केविन के थ्रू ही देखने को मिलता है, और यार ये भी बेंटन अल्टीमेट एलियन के अंदर देखने को मिलता है, और ये हमें तब देखने को मिलता है जब यार स्पेंटर 13 नाम का एक विलन अर्थ पे आता है।
जाता है। वो यार बेन की अल्टीमेट्रिक्स को खराब कर देता है, जिसमें अल्टीमेट्रिक्स उसको ना ट्रांसफॉर्म करके दूसरे को एलियन में ट्रांसफॉर्म कर रही होती है। और यार उसी के बीच हम लोग ये देखते हैं कि केविन और ग्वेन दोनों को ही ओमनीट्रिक्स अलग अलग एलियन में बदल देती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम लोग ये देखते हैं कि केविन वेवी में बदला था, बट ये लोग बहुत ही कम और लिमिटेड टाइम के अंदर ही उस एलियन में ट्रांसफॉर्म लेते हैं, बाकी बेन फिर से दूसरे एलियन को बदल देता है। और जो हमारा नेक्स्ट वेवी है वो ओमनीवर्स वेवी। हाँ, बेंटन ओमनीवर्स के अंदर हमें एक और वेवी को दिखाया जाता है। और ये जो वेवी का डिजाइन था, इसका जो लुक था, वो हमें फ्लैशबैक वाले बेन के वेवी से बहुत ही हद तक सिमिलर देखने को मिलता है। और मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं कि मुझे कौन सा वाला वेवी का फॉर्म इन तीनों में से सबसे ज्यादा पसंद है, तो मुझे ओमनीवर्स वाला ज्यादा पसंद आया। हाँ, अब ये कोई पहला एलियन होगा जो कि मैंने क्लासिक और एलियन फोर्स वाले एलियन के डिजाइन को रिजेक्ट करके मैंने ओमनीवर्स के डिजाइन को ज्यादा अच्छा बोला, क्योंकि यार ओमनीवर्स वाला जो वेवी है वो मेरे को कुछ खतरनाक और दमदार लगता है इन वेवी से कंपेयर में। उसके बाद हमें एक और वेवी तब देखने को मिलता है जब बेन 23 और प्राइम बेन मैड बेन के डायमेंशन में जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि मैड बेन को जब दोनों ही बेन से फाइट करना होता है तो वो वेवी में ट्रांसफॉर्म होता है। और जो इसका वेवी था वो में काफी ज्यादा अलग ऑरेंज कलर का देखने को मिलता है, और सिर्फ उसका कलर ही अलग नहीं था, जो इसके बॉडी था वो भी काफी ज्यादा अलग देखने को मिला, क्योंकि यार हमें इसके बॉडी में काफी ज्यादा स्पाइक्स देखने को मिलते हैं जो कि इसके लुक को और ज्यादा इनहेंस करते हैं। अब यार जैसे ही मैड बेन इस वेवी में ट्रांसफॉर्म होता है तो पहले वो इन दोनों से फाइट करता है। अब यार पहले तो ये दोनों ही बेन इस वेवी से हारने लगते हैं, बट ये लास्ट में जो हमारा प्राइम बेन है वो नैनोमिक का यूज करता है और इस वेवी को हरा देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये नॉर्मल बेन के वेवी को नहीं, हम लोग बेंटन 1000 के वेवी को देखते हैं जो कि इनसे बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और ये हमें तब देखने को मिलता है जब बेंटन क्लासिक का फ्यूचर देखने को मिलता है, जिसमें हमें बेंटन 1000 देखने को मिलता है और बेंटन 1000 की फाइट होती है केविन 11000 से। अब इस फाइट की स्टार्टिंग है बेंटन 1000 हार गया था, इसलिए उसकी फाइट होती है केन और उसके बेटे देवलिन से। और फिर जब दोनों ही केविन 11000 से फाइट करते हैं तो दोनों को ही केविन 11000 बहुत ही बुरे तरीके से हरा देता है। और ये चीज जैसे बेंटन 1000 देखता है उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वो वेवी में ट्रांसफॉर्म होता है और केविन के बराबर पिटाई करता है। और यार तभी हम लोग देखते हैं बेंटन 1000 की इस वेविक को, जो कि हमारे क्लासिक जो सीक्रेट ऑफ द ओमनीट्रिक्स में वेविक देखने को मिला था 10 साल वाले बेन टेनिसन के वेविक से, उससे पूरा सिमिलर था। हाँ, बस पावर्स में थोड़ा ज्यादा पावरफुल था ये फ्यूचर वाला वेविक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वेविक को तब देखते हैं जब बेंटन 1000 इयोन को रोकने आता है। इयोन या टाइम बिस्ट के एग को चोरी करने आता है और उसको रोकने के लिए बेंटन 1000 आता है और तभी वो ट्रांसफॉर्म होता है बिग चक में, जो कि अब चक और वेविक का फ्यूजन एलियन होता है। अब इस फ्यूजन ट्रांसफॉर्मेशन बिग चक, जिसमें इसकी हाइट अब चक से बहुत ज्यादा बड़ी होती है और वेविक से काफी छोटी होती है। और यार इस बिग चक ने ही इयोन और इयोन के जितने भी सर्वेंट्स थे उनको बराबर पीटा था। और यार इसने बहुत ट्राई किया था टाइम बिस्ट के एग को इयोन चोरी ना कर सके, पर एंड में हम लोग ये देखते हैं कि वो कैसे ना कैसे करके चोरी कर ही लेता है टाइम बिस्ट के एग को। उसके बाद हम लोग बहुत सारे टोक्यो स्टार को तब देखते हैं जब बेंटन ओमनीवर्स के अंदर हमें काफी सारे वेबेट्स को दिखाया जाता है। और ये हमें तब देखने को मिलता है जब बेंटन ओमनीवर्स में इंकर्सियस ने पूरी अपने स्पीसीज के साथ अर्थ पर अटैक कर दिया था और उन्हें बहुत ही सारे म्यूटेंट टोक्यो स्टार को अर्थ पे छोड़ दिया था और वो लोग अर्थ की सारी चीजों को इधर उधर तोड़ फोड़ कर रहे थे। तो यार उसी के बीच हम लोगों ने इस म्यूटेंट टोक्यो स्टार वेबेट्स को देखा था, जो कि बहुत ही सारे थे। और उसके बाद हमने बहुत सारे अलग अलग एपिसोड में इन वेबेट्स को देखा था। हाँ, तो जो हमारा लास्ट इस वीडियो का टोक्यो स्टार है वो है इविल वेबी। तो अब आप लोग लग रहा होगा मैंने इसको इतना लास्ट में क्यों रखा, तो वो इसलिए रखा मैंने सभी को उनके एज के हिसाब से रखा है। और यार मेरे को एजमत की सबसे ज्यादा लगी और आप लोग को पता होगा कि जो इविल वेबी की वो एजमत ही था, इसलिए मैंने इस वेबी को सबसे लास्ट में रखा। अब ये वेबी हमें कब देखने को मिला था, आप सब लोग को पता होगा कि जब बेंटन की मूवी आई थी जिसमें बेन की ओमनीट्रिक्स खराब हो गई थी ग्वेन की वजह से, जिसमें यार ओमनीट्रिक्स चीजों को अपलोड और डाउनलोड करने लगी थी। और यार उसी के बीच ओमनीट्रिक्स ने एजमत को एक इविल टोक्यो स्टार में बदल दिया था, जिससे बेन की टीम टेट्रिक्स और एजमत के डैड की पूरी मूवी में फाइट चलते रह रही थी बार बार। और यार ग्वेन की वजह से हमें इस मूवी में लास्ट में पता चलता है कि ये एजमत है और इसने उसके माइंड को भी कंट्रोल कर लिया था, जिसमें एजमत वापस से उस ओमनीट्रिक्स को सही करता है और अपने आप को भी सही कर लेता है उस गैल्वेनिक मेकामॉर्फ आर्मर की हेल्प से। तो अब यहाँ पर खत्म होती है हमारी सारी ही वेबिक और टोक्यो स्टार। तो अब आप लोग मुझे कमेंट्स बताओ कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आप लोग वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए वीडियो को यस लाइक कर देना जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और यार हमेशा की तरह मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग बेंटन के वीडियोस देखना चाहते हो और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो बेंटन के वीडियोस पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो यार जल्दी जाओ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। और यार आप लोग मुझे कमेंट्स बताना कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस एलियन बनाना चाहिए, ये तो यार वेबिक से रिलेटेड था, अब मुझे कमेंट्स बताओ कि मुझे नेक्स्ट किस एलियन पे वीडियो बनानी चाहिए। और यार एलियन से याद आया कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बेन के सारे एलियंस को रैंक किया था। हाँ, बेंटन क्लासिक से लेकर ओमनीवर्स तक जितने भी एलियंस है मैंने उन सारे एलियंस को इस वीडियो में रैंक किया था। हाँ, ये जो स्क्रीन में वीडियो शो हो रही है इसी वीडियो में, तो इस वीडियो पे क्लिक करो और देखो मुझे बताओ कि क्या मैंने प्रॉपर इस वीडियो में जितने एलियंस थे उनको रैंक किया है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।